सकती से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। सकती जिले के अंतिम गांव किकिरदा में जहरीली गैस ने 5 लोगों की जान ले ली। तो यहां 4 लोग एक व्यक्ति को कुएं से निकालने के लिए उसमें कूदे थे, लेकिन उन्होंने अपनी जान गंवा दी। और आपको बता दें कि एक भी जिंदा बाहर नहीं आ पाया है। तो दरअसल एक व्यक्ति लकड़ी निकालने के लिए कुएं में उतरा था, लेकिन काफी समय होने के बाद वो बाहर नहीं निकल पाया, जिसके बाद से उसे बचाने के लिए 4 लोग कुएं में कूद पड़े और कोई भी फिलहाल जिंदा नहीं बचा है। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जांजगीर की ये तस्वीरें हैं, जहां पर मातम छाया हुआ है, लोग बिलक बिलक कर रो रहे हैं। कुएं की तस्वीर भी हमने आपको दिखाई। और आइए इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी परदेसी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। परदेसी का रुख करते, परदेसी क्या कुछ आपको वहां पर देखने को मिल रहा है? 5 लोगों की जान चली गई है। जी बता दूं, अभी थोड़ी देर पहले रेस्क्यू जो है पूरा हुआ है, 500 शवों को जो है कुएं से बाहर निकाला गया है और 500 शवों को पोस्टमार्टम के लिए बिर्रा हॉस्पिटल भेज दिया गया है। और यहाँ पे बारिश की वजह से थोड़ा सा रेस्क्यू में देरी हो रहा था, लोगों की काफी भीड़ भी इकट्ठी हो गई थी, जिसके कारण रेस्क्यू काफी धीमी गति से चल रही थी। जी परदेसी, क्या 5 लोग एक ही परिवार से हैं? वो लोग कौन हैं? थोड़ा उनके बारे में अगर कुछ परिचय आपके पास है तो साझा करिए। जी बता दूं, 5 लोग अलग अलग परिवार से हैं। एक व्यक्ति जिसके मकान के सामने ही कुआं है, वहां पे एक लकड़ी का पटनी जो है उसमें कुएं में गिरा हुआ था, उसको निकालने के लिए वो जैसे उतरा था, उसके बाद उसको सांस लेने में तकलीफ हुई, तो घर वाले ने आसपास मोहल्ले वाले को इकट्ठा किया। फिर पड़ोसी एक परिवार है, उसके 2 पुत्र है, तो एक पिता और 2 पुत्र एक साथ उनको बचाने के लिए कुएं में उतरे हुए थे। तो तीनों के तीनों जो है एक ही परिवार के 3 लोगों की उसमें जान चली गई है। तो 3 अलग अलग परिवार से ये 5 लोग हैं। ठीक है परदेसी, जैसे ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आएगी हम आपका एक बार फिर रुख करेंगे। हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए आपका शुक्रिया। तो इसी बीच रायपुर से एक और बड़ी खबर, इसी मामले पर जांजगीर जिले की घटना में सीएम साय ने शोक जताया है। तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उन्होंने पोस्ट किया और लिखा कि जांजगीर के ग्राम किकिरदा में कुएं में हुए हादसे से 5 ग्रामीणों की मौत की खबर अत्यंत ही दुखद है। तो ईश्वर से दिगंगत आत्माओं की शांति और शोक संतप्त परिजनों को असीम दुख को सहने की शक्ति प्रदान करने की प्रार्थना करता हूँ। तो सीएम विष्णुदेव साय ने लिखा है कि मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि परिवार वालों को शक्ति दे ईश्वर और उनको दुख सहने की शक्ति प्रदान करे। तो इसी बीच जशपुर से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। सीएम विष्णुदेव साय कार्यक्रम स्थल पहुंचे, राज्य स्तरीय शाला प्रवेश उत्सव कार्यक्रम में शामिल हुए हैं सीएम विष्णुदेव साय। और बगिया हाई स्कूल में सीएम विष्णुदेव साय ने वृक्षारोपण किया है, तो स्कूली छात्राओं को साइकिल वितरण भी किया। और ये सीधी तस्वीरें जशपुर से आपके सामने हम आपको दिखा रहे हैं। सीधी तस्वीरें जशपुर की हैं, जहां पर स्कूली छात्राओं को साइकिल वितरण भी किया है। और ये तस्वीरें आप देखिए कि एक छात्र सीएम विष्णुदेव साय और उनकी पत्नी कौशल्या साय का आशीर्वाद लेता हुआ दिखाई दिया। और कौशल्या साय के हाथ में आप देख सकते हैं कि सर्टिफिकेट है, और वो और सीएम विष्णुदेव साय दोनों मिलकर सर्टिफिकेट वितरण करते हुए दिखाई दे रहे हैं। विद्यालय जशपुर राष्ट्रीय स्तर के प्रतिभावान इन खिलाड़ियों का तो राज्य स्तरीय शाला प्रवेश उत्सव में सीएम विष्णुदेव साय साथ ही उनकी पत्नी कौशल्या साय भी पहुंची। सम्मानित करना चाहेंगे इस मंच से। और ये तमाम तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर जसपुर की आप इन तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि गुरु खुशवंत साहिब भी आपको दिखाई दे रहे हैं। साथ ही आप ये भीड़ देखिए, आज सीएम विष्णुदेव साय ने वृक्षारोपण किया है, जिस मौके पर उनकी पत्नी कौशल्या साय भी मौजूद रही हैं। तो 10वीं और 12वीं के टॉपरों से आज वो मुलाकात करेंगे। और फिलहाल स्टेज पर आप देख सकते हैं कि स्कूली छात्राओं को सर्टिफिकेट वितरण किया जा रहा है, उनको सम्मानित किया जा रहा है। विकास में अपना बहुमूल्य योगदान दिया है, इन आदर्श बालकों का भी सम्मान। इसी बीच रायपुर से एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। छत्तीसगढ़ में बिना सूचना प्रदर्शन ज्ञापन पर रोक लगा दी गई है। तो NSUI ने संगठन को बिना सूचना दिए किसी भी तरह के प्रदर्शन और ज्ञापन सौंपने पर रोक लगा दी है।
बिना किसी जानकारी प्रदर्शन और ज्ञापन सौंपने के मामले से संगठन नाराज है। तो लगातार निजी स्कूल के खिलाफ प्रदर्शन भी एक बड़ा मामला सामने आया। तो NSUI प्रदेश अध्यक्ष नीरज पांडे ने ये निर्देश जारी किए। तो इसी मामले पर NSUI के प्रदर्शन पर लगाए गए बैन पर एक बड़ा बयान सामने आया। विपक्ष में रहने के बाद भी किस तरह का बैन नहीं लगाया जा सकता है, लेकिन जिस तरह से बैन लगा है दिखाई देता है कि यह गुटबाजी कांग्रेस के अंदर की गुटबाजी है और यह भूपेश बघेल और दीपक बैज की नाकामी का एक बड़ा एपिसोड है। NSUI के अध्यक्ष ने इस तरह का बैन NSUI पर लगाया है। सामान्यतः इस तरह का बैन कोई लगता नहीं है विपक्ष में रहने के बाद कि यदि आप प्रदर्शन कर रहे हो, लेकिन मुख्य रूप से इसका पूरी वजह यदि कोई है तो फिर से एक बार कांग्रेस की जो आंतरिक गुटबाजी है कि जिस तरीके से मुझे लगता है जो आंतरिक खबरें हैं कि भूपेश बघेल की जो एक्टिविटीज जो बढ़ी, दीपक बैच को पसंद नहीं आई, दीपक बैच के टिकट नहीं मिलने में या उनके परफॉर्मेंस खराब करने में पूर्व मुख्यमंत्री का हाथ, तो कुल मिलाकर जो कल्चर है कांग्रेस का, कांग्रेस के नेताओं का जो उनके DNA में है, एक बार फिर से सब कुछ लूटने के बाद भी जो थोड़ी बहुत आपस में लूटबाजी है वो कांग्रेस के अंदर में चल रही है, उसी का यह परिणाम है कि NSUI के प्रदर्शन पर रोक लगाई गई। तो आपने संजय श्रीवास्तव को सुना, बीजेपी अब कांग्रेस के ऊपर प्रहार कर रही है। बीजेपी का कहना है कि भूपेश बघेल की एक्टिविटीज जो दीपक बैज को पसंद नहीं आई, कांग्रेस की ही एक संस्कृति है और आपस में लड़ते रहो, जनता की चिंता ना करो। तो आइए इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी रोहित मेरे साथ जुड़ चुके हैं। रोहित, अब छत्तीसगढ़ में बिना सूचना के प्रदर्शन ज्ञापन पर रोक लगा दी गई है, क्या कुछ जानकारी इसके ऊपर? बिल्कुल, देखिए NSUI के प्रदेश अध्यक्ष हैं नीरज, उनकी तरफ से ये आदेश जारी किया गया है और साफ तौर पे कहा गया है क्योंकि बिना संगठन की अनुमति के ये देखा जा रहा था कि कई प्रदर्शन NSUI के नेताओं ने किया है। गुटबाजी के तौर पर इसे भी देखा जा रहा है क्योंकि अलग अलग गुटों में इस समय फिलहाल NSUI बट भी चुका है और वो अलग अलग गुटों की तरफ से अलग अलग स्कूलों पर प्रदर्शन किए जा रहे थे और खास करके रायपुर में पिछले कई दिनों पे बहुत बड़ी संख्या में प्रदर्शन हुए थे और इस बात की जानकारी संगठन को नहीं थी। संगठन से इसके लेकर कोई भी अनुमति नहीं मांगी गई थी, उसी पर एक्शन लिया गया है। नीरज सुंदर ने ये आदेश जारी किया है। वहीं पर ये भी कहा जा रहा है अब क्योंकि भाजपा इस पर साफ तौर पे कह रही है कि विपक्ष में रहने के बाद भी इस तरह के कोई भी जो लेटर होता है वो जारी नहीं किया जाता या फिर रोक नहीं लगाई जाती, तो ऐसे में अगर ये किया जा रहा है तो इसका मतलब ये है कि कांग्रेस में गुटबाजी है और गुटबाजी का शिकार जो है वो कांग्रेस हो चुकी है। कांग्रेस के बड़े नेताओं को उन्होंने भी घेरा है, लेकिन कुल मिलाकर देखा जाए तो एक बड़ा एक्शन जो है वो लिया गया है ताकि संगठन के बिना अनुमति के कोई प्रदर्शन ना करे, कोई किसी तरीके से जो ज्ञापन है वो सौंप ना पाए। बिल्कुल रोहित, हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए रोहित आपका शुक्रिया। तो इसी बीच एक और बड़ी खबर, उप मुख्यमंत्री अरुण साध ने रेल मंत्री से मुलाकात की। मुलाकात पर डिप्टी CM ने कहा कि प्रदेश में चल रहे काम को लेकर चर्चा की है। तो आजादी के बाद से छत्तीसगढ़ में जैसी रेल कनेक्टिविटी होनी चाहिए वैसी नहीं है और कई योजनाएं तैयार भी की जा रही है, तो रेल कनेक्टिविटी का छत्तीसगढ़ में विस्तार करेंगे, अरुण साध ने ये कहा है। तो वहीं इसी बीच एक और बड़ी खबर है, छत्तीसगढ़ में ट्रेनों का रद्द होने का सिलसिला जारी है।
तो रेल रद्द होने पर उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि रेल कनेक्टिविटी प्रदेश में देश की तुलना में कम है, कई परियोजनाएं स्वीकृत भी हुई हैं, जिसके कारण आपको बता दें कि व्यवधान भी आ रहे हैं और विकास का काम हो जाने पर लोगों को अच्छी सुविधा मिलेगी। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी से भी मुलाकात हुई। आजादी के बाद छत्तीसगढ़ में जैसी रेल कनेक्टिविटी होनी चाहिए, विस्तार होना चाहिए, वैसा हुआ नहीं है और अब अनेक परियोजनाओं पर भारत सरकार विचार कर रही है, विचाराधीन है। कई परियोजनाओं का DPR तैयार हो रहा है। उन्होंने पूरी तरह से आश्वस्त किया है कि छत्तीसगढ़ में रेल कनेक्टिविटी का विस्तार करेंगे। तो आइए इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी रोहित मेरे साथ जुड़ चुके हैं। रोहित, एक तरफ छत्तीसगढ़ में देखा जा रहा है कि 21 ट्रेनों को आज ही रद्द किया गया, दूसरी तरफ अरुण साव के रेल मंत्री से ये मुलाकात कितनी अहम, कितनी महत्वपूर्ण? बिल्कुल राधा, देखिए बहुत महत्वपूर्ण ये मुलाकात है क्योंकि छत्तीसगढ़ में जिस प्रकार से उप मुख्यमंत्री अरुण साव भी कह रहे हैं उस प्रकार से कि यहाँ पर रेल कनेक्टिविटी उतनी बेहतर नहीं है और छत्तीसगढ़ वो प्रदेश है जहाँ से सबसे ज्यादा कोयला जो है वो दूसरे राज्यों में परिवहन किया जाता है। ऐसे में एक बड़े रेल कनेक्टिविटी और बड़ी लाइन की आवश्यकता दिखाई दे रही है और उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने भी इस संबंध पे रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात की है। मुलाकात करने के साथ पे जो किस तरह से छत्तीसगढ़ में रेल कनेक्टिविटी को देश की तुलना पे बेहतर की जाए, क्योंकि देश में काफी ज्यादा कनेक्टिविटी है लेकिन छत्तीसगढ़ वो राज्य है जहां पर उस तरह से कनेक्टिविटी डेवलप नहीं की जा सकी है, तो इसको लेकर ये मुलाकात थी और मुलाकात मायने भी हुई, अहम भी नजर आ रही है। पिछले हमने देखा है लगभग 2 सालों से लगातार छत्तीसगढ़ के विभिन्न जो एरिया है वहां पे काम जो है वो शुरू किया जाता है। अगर अभी फिलहाल की स्थिति में अकलतरा नैला जो सेक्शन है वहां पर काम किया जा रहा है, बिलासपुर मंडल के अंतर्गत आता है, तो उसके कारण 21 ट्रेनें कैंसिल की गई है। तो कुल मिलाकर विकास की ओर बढ़ रहे हैं और इसके लिए जनता को परेशानी हो रही है और कई ट्रेनें भी रद्द दिखाई दे रही है। ठीक है रोहित, तो कहीं ना कहीं इस मुलाकात के बाद उम्मीद की जा रही है कि छत्तीसगढ़ में जो रेल यहाँ पर रेल कनेक्टिविटी है वो बेहतर हो सकेगी। हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए रोहित आपका शुक्रिया। तो इसी बीच रायपुर से एक और बड़ी खबर, 10 जुलाई को होगी भाजपा कार्य समिति की बैठक। तो बैठक पर प्रदेश महामंत्री संजय श्रीवास्तव का बयान, उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की नियमित कार्य समिति होती है और रायपुर के दीनदयाल ऑडिटोरियम में बैठक होगी, तो इस कार्य समिति में सभी नेता मौजूद रहेंगे। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर भी शामिल होंगे, तो मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष भी शामिल होंगे। तो लोकसभा चुनाव के बाद से ये बैठक हो रही है जिसमें 1600 मंडल के अध्यक्ष, सांसद, विधायक, जनप्रतिनिधि भी शामिल होंगे। तो बैठक में अलग अलग सत्र होंगे, राजनीतिक प्रस्ताव, आगामी कार्यक्रम को लेकर चुनाव की समीक्षा की जाएगी। भारतीय जनता पार्टी की नियमित जो प्रदेश कार्य समिति है, चुनाव होने के कारण कुछ लंबा समय हो गया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो प्रदेश कार्य समिति है वो 10 तारीख को रायपुर के दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में होगी और उसमें विभिन्न नेता रहेंगे। हरियाणा के पूर्व जो मुख्यमंत्री हैं और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर जी भी उसमें शामिल होंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी शामिल होंगे, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी शामिल होंगे। लगभग 1600 जो हमारे सदस्य हैं वो इस बैठक में शामिल होंगे। तो आइए इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी प्रशांत मेरे साथ जुड़ चुके हैं। प्रशांत, लोकसभा चुनाव खत्म होने के बाद 10 जुलाई को भाजपा कार्य समिति की अहम बैठक होने जा रही है, किन मुद्दों पर और क्या चर्चा इस बार हो सकती है इस बैठक में? जी राधा, देखिए भारतीय जनता पार्टी में प्रदेश कार्य समिति की बैठक बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक होती है जिसमें प्रदेश अध्यक्ष अपने कार्यों की समीक्षा की बैठक करते हैं और आगामी योजनाओं पर नीति नियोजन का काम करते हैं। हम आपको बता दें कि प्रदेश कार्य समिति की बैठक भाजपा की रीति नीति निर्धारित करने वाली बैठक होती है जिसमें भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यों की समीक्षा करती है। विगत 1 सालों में किए गए कार्यों की जो भारतीय जनता पार्टी के अनेक कार्यकर्ता पदाधिकारीगण जिले भर और मंडल स्तर पर करते हैं, उस कार्यों की प्रदेश स्तर पर एक फोरम में उसकी समीक्षा की जाती है। क्योंकि इस बार लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को 10 सीटों पर विजय मिली है, इसलिए कार्यकर्ता और पार्टी पदाधिकारी बहुत ही उत्साहित हैं, इसलिए इस प्रदेश कार्य समिति की बैठक को एक बड़े स्तर पर
दीनदयाल ऑडिटोरियम रायपुर में आयोजित किया गया है, जिसमें 1600 से अधिक बूथ अध्यक्ष, जिला पदाधिकारी, प्रदेश पदाधिकारी और संगठन के अन्य महत्वपूर्ण लोग इस बैठक में निमंत्रित है। हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए आपका शुक्रिया। बीजेपी के सहयोग केंद्र में आम जनता से मंत्रियों की मुलाकात जारी है। अलग अलग दिन अलग मंत्री सहयोग केंद्र में मुलाकात कर रहे हैं। इस दौरान आम जनता और कार्यकर्ताओं की समस्या पर भी सुनवाई की जा रही है। तो आज मंत्री दयालदास बघेल जनता और कार्यकर्ताओं की समस्या पर सुनवाई करेंगे। तो वहीं खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग से जुड़ी समस्याओं पर सुनवाई करेंगे। तो चलिए अगली खबर अंबिकापुर से। अंबिकापुर में 10 साल पहले तत्कालीन कलेक्टर ने जिला ग्रंथालय की ई लाइब्रेरी में तब्दील करने के लिए भरपूर कोशिश की और तब कई काम भी हुए। यहाँ ई लाइब्रेरी के लिए कई कंप्यूटर लगाए गए और आपको बता दें कि तब लगा कि कई परीक्षार्थियों को कोई परेशानी नहीं होगी, लेकिन कलेक्टर के ताबड़ लेकर बाद जिम्मेदारों ने इस तरफ ध्यान देना ही छोड़ दिया और अब ई लाइब्रेरी के नाम पर यहाँ पर रखे गए कंप्यूटर तक नहीं हैं। तो वहीं लाइब्रेरी का भवन पूरी तरह से जर्जर हो गया है और ये तस्वीरें आपके सामने हैं। अंबिकापुर की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहाँ पर देख सकते हैं कि ई लाइब्रेरी में रखे कंप्यूटर, साथ ही इन दीवारों में आप देख लीजिए कि दरार आ गई है, प्लास्टर पूरी तरह से टूट कर गिर रहे हैं और इसकी वजह से लाइब्रेरी प्रबंधन छात्रों को लाइब्रेरी में बैठने से डर लग रहा है। तो जर्जर लाइब्रेरी हो रखी है, बच्चे कैसे पढ़ें? आपको बता दें कि जर्जर लाइब्रेरी में 110 लोगों के बैठने की भी व्यवस्था नहीं है और साथ ही 1700 परीक्षार्थियों ने लाइब्रेरियों में बैठकर पढ़ने के लिए आवेदन किया हुआ है। तो वहीं जिला ग्रंथालय के लिए हर साल महज 70,000 से 80,000 रुपए का बजट मिलता है और फिर शिक्षा विभाग से संचालित है जिला ग्रंथालय। लेकिन आप ये तस्वीरें देखिए, जो हालात हैं इस वक्त लाइब्रेरी के, वहाँ पर बच्चे कैसे बैठकर पढ़े ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि लाइब्रेरी की हालत इतनी ख़राब है कि वहाँ पर बच्चों को बैठकर पढ़ने से भी डर लगता है। उनको डर लगता है कि कहीं अगर ये छत हमारे ऊपर गिर गई तो हमारा क्या होगा। उतना कंडीशन तो सही नहीं है, पिछले साल में था तो साल भर हो गया, यहाँ भूकंप टाइप से आया था तो पूरा हिल गया था। ऊपर में अपन बैठे थे, वहाँ से डर के सब नीचे भाग गए और यहाँ पुराना बुक भी है तो थोड़ा दिक्कत जाता है। परेशानी होता है, बच्चे बैठ नहीं पाते हैं, लेकिन उस पर कार्य चल रहा है। अभी हमारे द्वारा सूचना वरिष्ठ अधिकारियों को दिया गया है और वरिष्ठ अधिकारी भी इसमें रुचि ले रहे हैं और प्रक्रिया चल रहा है। अभी जितना जल्दी से जल्दी हो सके इसमें मरम्मत का कार्य कराया जाएगा। हाँ, ई लाइब्रेरी एक्चुअल में अभी कंप्यूटर की संख्या कम है हमारे पास और मुझको भी उसी स्थिति में मिली थी। उसके लिए भी राज्य में भी और जिला स्तर में भी जो हमारे वरिष्ठ अधिकारी हैं उनको सूचित किया गया है।